सो वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अश्नी द एडवेंचरर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे से होंगे। और आज एक बहुत बढ़िया सुबह आज भी निकली है और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन टूर पे निकलने वाले हैं। बहुत बढ़िया ट्रिप होने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों कि इस ट्रिप में कुछ ऐसा होने वाला है जो कि अभी तक किसी भी ट्रिप में नहीं हुआ है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ न्यू एडवेंचर। वाकई में जिसे रियल एडवेंचर कहते हैं उसकी शुरुआत आज होने वाली है। तो दोस्तों बने रहना इस वीडियो में और हम करते हैं शुरू आगे के लिए। और सुबह की देखिए दोस्तों, सुबह की धूप कितनी मस्तानी होती है। क्या मजेदार धूप है सुबह सुबह, वो देखिए सामने सनराइज हो चुका है। तो हम अभी कुछ थोड़ी देर पहले उठे हैं और रेडी होके आपसे फिर मिलते हैं। पैकिंग वैकिंग डन है, कुछ आधा सामान नीचे पहुंच चुका है गाड़ी में, कुछ सामान अभी और बचा हुआ है वो हम लेके और रेडी होके निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो दोस्तों हम लोग हो गए तैयार, थोड़ा टाइम लग गया पर अब हम निकल रहे हैं। हम यहाँ से तैयार हो चुके हैं लेकिन हमारी गाड़ी अभी नीचे खड़ी हुई है, वो सामने खड़ी है। सुबह का बहुत बढ़िया ब्राइट सनी डे है, चिड़ियों की आवाज़ देखो आप। और उम्मीद करते हैं कि हमारी जर्नी आज की भी अच्छी हो और एक बहुत डिफरेंट लोकेशन पे, एक नई लोकेशन पे हम जा रहे हैं और कुछ नया करने जा रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे। ओहो सुबह की क्या धूप है यार, जबरदस्त मौसम है। और अभी बजे हैं सुबह के 8:15, कुछ डेस्टिनेशन दिखा रहा है 7 घंटे के आसपास, देखते हैं क्या सीन है। ऊपर से आगे निकल गए, सोचा कुछ नाश्ता वास्ता कर लें। ये पीछे एक रॉयल फूड कोर्ट टाइप्स है, हम रुक गए यहाँ पर। हमने सोचा चलो कुछ नाश्ता पानी करते हैं। कुछ अभी निकले हुए घर से 1.5 घंटा हुआ है तो हमने कहा कि थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लें फिर निकलते हैं। ये सामने एक हवेली बनी हुई है, देखिए आप, वो पीछे सामने बनी हुई है। भाई साहब पंजाबी पराठे बड़े बड़े। बहुत सुंदर दिन निकला हुआ है और अभी हम रोपड़ क्रॉस करके स्टेट नेशनल हाईवे नंबर 205 पे हैं और हमारी जो आज की डेस्टिनेशन है वो अभी और 5.5-6 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। दोस्तों सामने देख रहे हो आप, ये आ गया है गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब। हम यहाँ पर एक बार आए हुए हैं पहले, मैं शायद 2 बार आया हूँ पर अभी हमें थोड़ा और लंबा आगे जाना है तो हम यहीं से मत्था टिकाएंगे। हमने कहा कि आपको एक बार दिखा दें क्या है और कैसा। ये सामने है, इसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना हुआ है बहुत ऊंचा सा, हम चाहें तो वैसे 1/2 घंटे चल सकते हैं। चलना है, बोलो। चलो फिर चलते ही है, ये सारी मार्केट है, फिर आएंगे हम दोबारा यहाँ वापस हम अपने रास्ते पे। ये दोस्तों नांगल डैम है, यहीं से राइट चले जाएंगे तो भाखड़ा बांध भी आता है ऊपर जाके, कुछ 15-20 किलोमीटर यहाँ से है। पर ये नांगल डैम बहुत पुराना है और यहाँ से देखो ये राइट से सारा ट्रैफिक आ रहा है, ये भाखड़ा डैम से ही आ रहा है सारा। बहुत पुराना बना हुआ है नांगल डैम और लेफ्ट साइड में तो बिल्कुल सब खाली पड़ा हुआ है लेकिन राइट साइड में फुल पानी भरा हुआ है। और ये डैम से आगे निकल के अभी हमें यहाँ से लेना है राइट। अभी ये है नेशनल हाईवे नंबर 503 जो हम आगे से भी छोड़ देंगे, थोड़ी दूर जाके फिर आ जाएगा। यहाँ से अभी हमें पहले पहुँचना है ऊना, ऊना से फिर कांगड़ा और कांगड़ा से फिर हमारा आगे का और रास्ता आगे है। तो देखते हैं दोस्तों क्या रहता है। अभी नूरपुर बेदी 35 किलोमीटर, गिरशंकर 45, ऊना 18, होशियारपुर 55, बाबर साहिब राइट है। तो ये दोस्तों हो चुकी है हिमाचल की एंट्री, हो सकता है यहाँ पे स्टेट ट्रैक्स लगेगा। शहीद कैप्टन अमोल अलिया द्वार, बहुत बढ़िया बना हुआ है का बस स्टैंड, ISBT है अभी ऊना का, सारी बसें हैं। नदी है बहुत जबरदस्त है, बहुत बड़ा पुल है और अभी पालमपुर पहुंचने में और कुछ मेरे ख्याल में 50 किलोमीटर बचे हैं अभी। हाँ आ गया ये, धर्मशाला 54, कांगड़ा 36, उन्होंने सीधे ले चल रहा है ये धर्मशाला कांगड़ा, बहुत ठीक है इसी रोड पर चलना। धर्मशाला 54, मैं तो धर्मशाला जाना नहीं है, धर्मशाला। तो दोस्तों हमने सुबह 9:30 के आसपास जो ब्रेकफास्ट किया था, ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ 5 घंटे की हमने जर्नी करी और 3 बजे के आसपास हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं कुछ 20 किलोमीटर पहले, जो वीर बिलिंग से कुछ 20 किलोमीटर पहले हम पहुँचे हुए हैं। और हमने यहाँ पे अभी लंच खाया है, हमारे पीछे एक ही आइसक्रीम पार्लर है अमूल का, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ये ओशो रेस्टोरेंट है बैक साइड में, रेस्टोरेंट होटल पूरा ऐसे बना हुआ है। हमारी गाड़ी अभी यहाँ खड़ी हुई है, मौसम ने करवट ले ली है, बदलाव शुरू हो गया है। तो दोस्तों सीधे जल्दी से पहुँचते हैं वीर क्योंकि यहाँ से भी और 1 घंटा लगेगा और हम आपको वहाँ मिलते हैं। दोस्तों मेरे पीछे देखिए बैजनाथ मंदिर है। दोस्तों ये जो बैजनाथ मंदिर है ये 2 यहाँ के लोकल मर्चेंट्स ने बनाया था कुछ 8वीं शताब्दी में और इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ।
ऑसम टेम्पल है, इतना पुराना टेम्पल 8वीं शताब्दी का, मजा आ गया देखने करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हो, यह है बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ टेम्पल कुछ 8वीं शताब्दी में यहाँ के दो लोकल मर्चेंट अहूका और मन्युका, इन दो लोगों ने मिलकर बनवाया था। और उस बनवाने से पहले ये जो आप अभी करंट स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बाद का बनाया हुआ है। पहले यहाँ पर नॉर्मली एक अपने आप ही जिसे कहते हैं स्वयं प्रकट शिवलिंग था, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर 8वीं शताब्दी में बनाया। लेकिन यहाँ पे मंदिर होने के जो निशान है या यहाँ पे जो प्रमाण है वो उससे पहले के पाए जाते, और इसके बारे में किसी को नहीं पता कब से पाए जाते। पर दिस इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग एज वेल। और ये बैजनाथ लोकल टाउन इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। बहुत बेहतरीन जगह है, मौसम सेरेनिटी, चारों तरफ का आप एरिया देखिए, चारों तरफ का अगर आप एरिया देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसके बैक साइड में बहुत जबरदस्त व्यू नजर आएगा। मैं आपको उधर भी अभी लेके चलता हूँ, आइए हम चलते हैं, फिर आगे आपको दिखा। दोस्तों क्या नजारे मेरे पीछे, ये सामने बैजनाथ टेम्पल के बैक साइड का व्यू है, अगर आपको दिख रहा होगा तो। इतनी ऑसम प्लेस है, यहाँ से व्यू एक नंबर का है, इतना बेहतरीन बना हुआ है ये मंदिर, मतलब मजा ही आ गया यार यहाँ पर आके। आप ये देखिए दोस्तों मेरे बैक साइड में पूरा मंदिर का व्यू देखिए, क्या जबरदस्त एरिया है यहाँ से, और पूरा पार्क है, और क्या जबरदस्त जगह है यार, ऐसी जगह तो मतलब मजा ही आ गया वापस आके यहाँ पर। और ये देखिए पूरा एकदम 360। हाँ भाई कैसे लगी जगह, हाँ कैसी लगी है। तो दोस्तों हम यहाँ से अभी निकल रहे हैं और हमारा आधे घंटे का रास्ता है, और यहाँ से बीर एक छोटा टाउन है वो यहाँ से कुछ और 15 किलोमीटर के आसपास है। तो हम वहाँ पर अभी निकलते हैं, हमने मंदिर कर लिए पूरे दर्शन और आप लोगों से मिलते हैं हम आगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं आगे। और ये पीछे दोस्तों देखो मंदिर के जस्ट आउटसाइड एक पॉन्ड बनाया हुआ है, देखिए कितना बड़ा है ये। बारिश के टाइम में ऑब्वियसली भर जाता होगा और पानी का एक बहुत बड़ा सोर्स होता होगा यहाँ पर। और आप व्यू देखिए यहाँ से पूरे मंदिर की, ये आउटसाइड वॉल है टेम्पल की, और यहाँ पीछे कुछ घर भी बने हुए हैं, पार्क है, बच्चे खेल रहे हैं, शाम का नजारा है, और मैडम भ्रमण कर रही है यहाँ का। हाँ जी ये देखिए दोस्तों व्यू देखिए आप। हाँ जी कैसे लगा, हाउ इज द टेम्पल, टेम्पल मंदिर। तो ये था पूरा टेम्पल दोस्तों, आपने दर्शन करे बढ़िया देखे। और अब हम यहाँ से वापस एग्जिट ले रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। ये चंदन आप देख रहे होंगे, चंदन मंदिर के अंदर के लगाया हुआ है, और ये रास्ता यहाँ से एग्जिट है। आपको थोड़ा एरिया भी दिखाते हैं, यहाँ पे 50 रुपए पर कार पार्किंग भी है, अगर आपको गाड़ी वाड़ी पार्क करनी है तो आप आराम से कर सकते हैं यहाँ पर, हमारी भी यहीं पे खड़ी हुई है। तो दोस्तों हम आपसे मिलते हैं आगे, क्योंकि हमारी जर्नी अभी थोड़ी सी और बची है, खोलते हैं गाड़ी और चलते हैं आगे की तरफ। ये नेशनल हाईवे नंबर 154, एकदम ऐसा लग रहा है कि इस वाले हाइट पे तो आ गया है, इस पहाड़ की चोटी पे आ चुका है, क्योंकि यहाँ से सारी जगहें नीचे बहुत दूर दूर नजर आ रही है, चारों तरफ वैली और ये हिल टॉप है। अच्छा यहाँ भी सारा क्या भाई, यहाँ पर पीछे बैक साइड में वो हमारे उधर पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, पर यहाँ से व्यू मैं आपको दिखाऊँ, मुझे बिना रुके रहा नहीं गया। आप देखिए एक बार, ये देखिए, ओहो क्या बात है। मतलब ऐसी सुंदर जगह है कि मतलब क्या बोला। सो दोस्तों हम बैठते हैं अभी कार में और चलते हैं आगे, आपको नज़ारे दिखाते हैं। ओए 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 इधर देख, ओए क्या नाम इसका, शेरपा, ओए तो ये देख इधर इधर। तो दोस्तों हमारी बालकनी से आज का व्यू कुछ ऐसा है, देखिए आप, और ये देखिए ये हमारा रूम है, हम पहुंच गए अंदर, आपको रूम दिखाता हूँ। देखो ये दोस्तों रूम है और वॉशरूम भी अभी दिखा रहे हैं। ये इसका होटल का फ्रंट साइड है, और नीचे हमारी कार पार्क है, गैलरी है, 308 मीटर है। और दिस इज द रूम, बेड, ये सारे फ्लोइड्स हैं, टेबल है, कुर्सी है, केटल है, टीवी है, लाइट्स है, हीटर लगा हुआ है, पंखा भी है। सो फिलहाल बेहतर है मैं आपको गैलरी का व्यू दिखाता हूँ, टेरेस का। तो दोस्तों ये है कुछ व्यू यहाँ टेरेस से, ये देखिए, ओह ऑसम व्यू है। पीछे देखिए क्या ह्यूमंगस माउंटेन्स हैं, ये पुराने तरीके के घर बने हुए हैं लोगों के। तो दोस्तों सुबह जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, घर से हम लोग निकल गए थे 8 बजे, कुछ 7 घंटे का सफर दिखा रहा था, पर हमने 2 ब्रेक लिए बीच में, एक सुबह एक ब्रेकफास्ट का और अभी एक लंच का 3 बजे। रास्ता काफी अच्छा था, 2-3 ऑप्शन थे, तो हम कांगड़ा और पालमपुर वाले बाईपास लेके आए हैं। एक मंडी से भी रास्ता है, पर वो मंडी वाला रास्ता हमने लिया नहीं। सो कुछ मिला के कुछ 290 या 295 किलोमीटर के आसपास था चंडीगढ़ से, कुछ 8 घंटे टोटल लगे हमें यहाँ आने पे विद ब्रेक। जगह, मौसम बहुत प्लेजेंट वेदर है यहाँ पर, सनसेट हो चुका है, कल हम आपको दिन में दिखाते हैं यहाँ पे कैसा व्यू है। अभी हम चलते हैं अपने रूम के अंदर, थोड़ा फ्रेश होते हैं और फिर हम आपको आगे बात करते हैं। सो दोस्तों खाना पानी हो गया है, डिनर हो गया है, ऑल डन, और आज का बहुत लंबा दिन, और सुबह 5 बजे से उठे हुए हैं, काफी ट्रैवल हुआ, कुछ 300 किलोमीटर की ड्राइव थी, और अभी तक हमने आपको बताया नहीं कि हम कहां से निकले, और निकले तो पता है आपको, खैर हम चंडीगढ़ से निकले हैं, लेकिन हम चंडीगढ़ से चल के ये नहीं आपको पता कि हम पहुंचे कहां पे हैं। तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि हम पहुंचे हैं बीर बिलिंग। बीर और बिलिंग दो अलग जगह हैं, बीर जो है वो नीचे ग्राउंड के है
और जो बिलिंग है वो यहाँ पे हाइट पे है पहाड़ पे। और बीर बिलिंग आप गैस करिए और कमेंट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि व्हाट इज फेमस इन बीर बिलिंग। फिर हम आपसे अभी के लिए यहीं की विदा लेते हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा और सारे आपने जर्नी देखी, अलग अलग जगहों का हिस्सा देखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, जो आपने बैजनाथ टेम्पल देखा, इतना पुराना हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वाला ज्योतिर्लिंग है, और वहां से क्या व्यू था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय।